नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गया है और वेदर बहुत ही प्लीजेंट है, तो मैं आपको आने वाले हॉलीडेज और छुट्टियों के लिए सबसे सस्ता डेस्टिनेशन बताऊंगा, जो कि है मुसंदम। मुसंदम जाने के लिए आपके पास दो रूट हैं, एक है बाई फ्लाइट, एक है बाई फेरी। लेकिन फेरी से आप जाएंगे उसका एक अलग मजा है। तो आइए जल्दी से देखते हैं, फेरी से जाना है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगी, नहीं तो वो आपको वहां से वापस भेज सकते हैं। तो पांच चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, हमें उसके लिए क्या करना है। देखिए, ये फेरी है, यहां से आपकी गाड़ी अंदर होती है और यहीं से आप जाते हैं। इस फेरी का टिकट बुक करने के लिए आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं, आपको यहां पे सिनाज में ऑफिस है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिए, तो वहां से जाके आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। अब इसमें जब टिकट बुक करने जाएंगे तो एक क्वेश्चन आता है बिजनेस क्लास और टूरिस्ट क्लास में, फिर बोलते हैं कैसे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और बोर्डिंग पास और अदर फॉर्मेलिटीज क्या है, प्रोसेस एट खसा पोर्ट में क्या है और कार ले जाना है कि नहीं ले जाना है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हमको टिकट बुक कराना है तो उसके लिए आपको पासपोर्ट या रेसिडेंस कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास रेसिडेंस कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट ले जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप सिनाज ऑफिस में जाएंगे, आपको यहाँ पास में दिखेगा तो टिकट बुक हो जाएगी। उस टिकट को आप थोड़े से पहले से बुक करें तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए, ये ऑफिस है, यहाँ लिखा है नेशनल फेरी कंपनी। इसी ऑफिस में आपको बाद में बोर्डिंग पास कलेक्ट करने आना है जिस दिन आपको जाना है। 2 बजे की फेरी का टाइम है और 8 बजे मॉर्निंग का है। तो थर्सडे भी आप जा रहे हैं 2 बजे फेरी की, तो आपको 12 बजे यहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ बगल में एक ऑफिस है, ये बालाजो ऑफिस, यहाँ पे आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक कराना है। जब वैक्सीनेशन का आप सर्टिफिकेट चेक करा लेते हैं तो फिर से आपको, देखिए बोर्डिंग पास इस टाइप से रहेगा जिसमें आपकी डिटेल लिखे रहेंगे, आपकी कार फोर व्हील जो भी है, आपका वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट है जो भी है वो इसमें रहेगा। तो जब आप ये कर लेते हैं बोर्डिंग पास, तो उसके बाद में आपको फिनास फेरी का, जहां से हमने टिकट लिया था, देखिए इसके सामने जहां से हमने टिकट लिया था, वहीं से आपको आरओपी के पास जाना है और उसको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। वो आपके बोर्डिंग पास देखकर उसमें स्टाम्प कर देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम फेस आती है, यदि आप उनको रेसिडेंस कार्ड वो मांगते हैं और आप देते हैं और उस पर लिखता है वर्किंग है, जैसे हमारे केस में लिखा था वर्किंग है, तो हमें उन्हें रोकने की कोशिश की थी। हमने फिर उन्हें कन्वेंस कराया कि हम वर्क के लिए नहीं जा रहे, तो यदि आप अननेसरी कोई टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो बेटर है आप एक कंपनी से लेटर बनवा दें कि दिस पर्सन हमारे इधर काम करता है और ये इस हॉलीडेज के लिए सिनास जा रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग वर्क के लिए भी जाते हैं, तो इस चीज से आप बच सकते हैं। तो हमने फिर मैनेज कर लिया था। जब ये सब प्रोसेस हो जाएगी तो यहां से आपको गाड़ी, यदि आपने बुक कराई है तो गाड़ी के साथ, नहीं तो पैदल आपको अंदर हो जाते हैं। अब दूसरा आता है हमारा बिजनेस क्लास वर्सेस इकोनॉमिक क्लास या टूरिस्ट क्लास। तो ये टूरिस्ट क्लास की सीट्स हैं, देखो ट्रेन के हिसाब से हैं, विंडोज हैं, आप देखते रहना, है ना। तो यहाँ से आप जब जाएंगे, देखिए यहाँ आपको साइड में सब दिखता है ग्लास में से। इसमें भी मैं आपको टिप बताऊंगा कि कौन सी साइड की सीट कब बुक करना है। अब ये जो रूट जा रहा है ये बिजनेस क्लास की जा रहा है, हम लोगों ने बिजनेस क्लास में बुक कराया था। और जिन्होंने आरती को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले यार, है ना, दिस इज फॉर हेल्प टू छोटा सोसाइटी। तो इसमें टोटल 19 सीट है, 7 सीट एक तरफ है लेफ्ट साइड में, सेंटर में 5 है, राइट साइड में 5 है, 7 है। और ये जो है ये सब टूरिस्ट क्लास का ही है, ये फ्रंट में थोड़ा सा जगह है, बगल से साइड में ये गया हुआ है, आगे जाके वही पोर्शन आ गया है। तो यहाँ पे सेफ्टीज के हैं, वाया टॉयलेट है, बाथरूम है और ये सब चीजें, देखिए विंडो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, जब आप बुक करते हैं, मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है, आप ये वाली सीट बुक कराइए, इसमें कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं रहता, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। तो आप जब जा रहे हैं तो सबसे पहले आप टूरिस्ट क्लास में ही बुक कराइए, 13 रियाल का होता है, बिजनेस क्लास का 24 रियाल का होता है एक साइड का। तो सेव द मनी, कुछ होगा नहीं, यू विल एंजॉय मोर देयर इन टूरिस्ट क्लास। उसके बाद में जब आप बुक करा रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम सिनास टू कसाल मुसंदम, तो आपको बैठना है, याद रखना आपको बैठना है लेफ्ट विंडो पे, ठीक है। और जब आप वापिस आ रहे हैं तो आपको बैठना है राइट विंडो पे। तो इसमें लैंडस्केप बहुत अच्छे आते हैं। और जब आप बीच में आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ अपनी गाड़ियाँ नीचे रखी रहेंगी, यदि आप गाड़ी ले जाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, गाड़ी ले जाना है नहीं ले जाना है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ रहती है, ठीक है, ये अंदर रहती है। और जब इसमें रहते हैं तो आप फोटो खिंचाना ना भूलें, है ना, बीच में बाहर आके डेक पे
आप फोटो खिंचवाइए, एंजॉय करिए, सोते और खाते नहीं रहिए उसमें, यू विल एंजॉय। अब ये तो हो गया अपना, लेकिन जब आप 6 बजे पहुंचेंगे वहां पे, यदि आपने 2 बजे की फेरी ली है कसाब में, तो वहां से उतर के डायरेक्ट नहीं निकल जाना है, ये ऑफिस आपको दिखेगा उतरते से। तो इस ऑफिस में आपको जाना है अपना सामान लेके, स्कैन करा के, पहले इमिग्रेशन है वो आपके पासपोर्ट चेक करेंगे, आपको अलाउ करेंगे, स्कैन करा के निकल जाएंगे। यदि आप कार लेके आए हैं तो जो ड्राइवर रहेगा वो अपनी कार लेके राइट हैंड साइड से राउंड अबाउट से होते अंदर जाएगा जहाँ पे इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन पे अपना कार और सामान चेक करा के वापिस आ जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ से आपको काउंटर फॉइल कलेक्ट करना पड़ेगी, ठीक है। बाकी अदर लोग यहाँ से ही अपना चेक करा के लगेज वो बाहर हो जाएंगे, ठीक। लेकिन वो ड्राइवर अपना जो भी ड्राइव करेगा वो अपना यहाँ से चेक कराने के बाद में वो कूपन देंगे, वो कूपन लेके वापस आ जाएंगे, जिसमें नंबर आप पर्सन लेके रहेंगे गाड़ी से, वो अपना सामान चेक कराएगा। तो आपको सामान निकालने की जरूरत नहीं है यदि आपके पास गाड़ी है तो, ठीक है। लेकिन जब आप वापिस आ रहे हैं तो यही इसी के सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाली वो बिल्डिंग है जहाँ से आप अभी वापस निकले थे, इसके सामने की जो बिल्डिंग है वहां से जब आप वापस आ रहे हैं तो वहां से आपको बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है, अपनी टिकट दिखा के, और सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जो ड्राइवर है वो अपना इमिग्रेशन में जाएगा, सामान दिखा के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे ठप्पा स्टैंपिंग लगवाना है इमिग्रेशन में, फिर जाना है और आप लोग एग्जिट होके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था मैंने आपको बताया पार्ट वन में। आप ऐसा करेंगे तो स्मूथली यू विल रीच द डेस्टिनेशन एंड एंजॉय, आपको हैसल फ्री, है ना। ये आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सैटरडे को रिलीज करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कसाब में, मुसंदम में क्या क्या देखें जिससे कि आपका ट्रिप मेमोरेबल बन जाएगा। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें। देखिए ये कार है, जब आपको वापस लेके आते हैं तो कार निकाल सकते हैं, और जिनको कार नहीं ले जाना, नहीं ले जाए जरूरत नहीं है, वहां पे कार ले जाते हैं तो उसके अलग बेनिफिट है, नहीं तो आपको वहां भी गाड़ियां मिल जाती हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। यदि आप अपनी कार ले जाते हैं तो उसका क्या फायदा है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चॉइस लाइफ प्रदीप आरती में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।